बहुत अच्छी हूँ, आप लोग कैसे हैं? आज काफी टाइम बाद शूट पर नजर आ रही है भोजपुरी में। जी बिल्कुल। क्या कुछ चल रहा है बताएं? आज हम लोग मुहूर्त किए हैं और फिल्म की शूटिंग शुरू हुई है। आज पहला दिन है तेरी मेरी आशिकी, और इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट इसलिए लगी मुझे क्योंकि हम जब बात करते हैं स्वतंत्रता की तो ज़्यादातर ये ख्याल आता है कि हम लोगों के इसमें डिविजन्स क्यों होते हैं हिंदू मुस्लिम्स को लेके। तो ये कहानी खूबसूरत सी प्यारी सी लव स्टोरी है जो एक मुस्लिम लड़की को हिंदू लड़के से प्यार होता है, और फिर कठिनाइयों का पहाड़ किस तरीके से उनके ऊपर गिरता है और किस तरीके से टैकल करते हुए उन लोग आगे बढ़ते हैं। बहुत ही रोमांचक कहानी लगी और इसी वजह से मैंने इस फिल्म को किया है। फिल्म के डायरेक्टर सुजीत पुरी जी हैं, काफी पुराने डायरेक्टर हैं। जी हमारे निरभा रिक्शा वाला के सेटअप में जितने भी लोग रहे हैं वो इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा नाम कर रहे हैं, और सुजीत जी भी उन्हीं में से एक है। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि वो डायरेक्ट कर रहे हैं इस फिल्म को। एज एन मेन असिस्टेंट उन्होंने निरावा रिक्शावाला में किया था, और अब डायरेक्शन में मैं पहली बार उनके साथ में काम कर रही हूँ, सो बहुत अच्छा लग रहा है। भोजपुरी की बात हो और गाने की बात ना हो तो अधूरा सा लगता है, गाने किस तरह के सिनेमा में? गाने बहुत ही प्यारे गाने हैं, और जो पूरी टीम है वो बहुत आज काफ़ी अच्छा काम कर रही है, सो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट द होल टीम एंड ऑल द बेस्ट विशेस टू एवरीवन जो इस टीम से जुड़े हैं। और आप सभी से भी पूछती हूँ कि आप लोग इसको ज़रूर अपना प्यार दें। बाकी जी और कौन कौन सी फिल्में आपने अभी जो किया है रिलीज़? अभी तेलुगु फिल्म एक मैंने सुब्बा राव सर के साथ में कंप्लीट की है जो बहुत जल्द रिलीज़ होने पे है। अभी डबिंग ख़त्म कर चुकी हूँ और नेक्स्ट दो तेलुगु फिल्म्स ही कर रही हूँ जिसकी शूटिंग लंदन होने जा रही है। सो यस, दो फिल्में वो है। भोजपुरी में और क्या कुछ बदलाव होना चाहिए आपके अनुसार? मुझे लगता है कि हम लोग जितना अच्छा काम कर रहे हैं उस हिसाब से काम का रिस्पॉन्स आता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि बॉक्स ऑफिस पे वो उतना अपना जमाव नहीं बना पा रही है। जब हमने फिल्में कंटिन्यूसली शुरू की थी और काम किया था उस वक्त हमने रियलाइज़ किया था कि हर इंडस्ट्री की ग्रोथ है, तेलुगु इंडस्ट्री हो या पंजाबी हो या मराठी फिल्म्स हो, हर एक फील्ड में हर एक ने कुछ अच्छा प्रोग्रेस किया है। मुझे थोड़ा बहुत खेद ज़रूर होता है ये सोचते हुए कि भोजपुरी में जब हम काम करते हैं तो फिल्मों का ग्राफ जो हम एक्सपेक्ट करके चल रहे थे उससे काफ़ी इस बार फील होता है कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी कुछ कमियां रह रही है। एंड हो सकता है टेक्नीशियंस और प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स मिलके अगर इस पर कुछ सोच बोझ करे तो पूरी इंडस्ट्री की ग्रोथ ज़रूर होगी, बिकॉज भोजपुरी ऑडियंस जितना बड़ा ऑडियंस है उतना मुझे नहीं लगता तेलुगु या कोई भी दूसरी रीजनल लैंग्वेज में ऑडियंस उतना बड़ा है। सो वी हैव वेरी गुड स्कोप, अगर हम उसको राइट तरीके से डाइवर्ट करें तो मुझे लगता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री बहुत बड़ा नाम कर सकती है। दो दिन पहले खेसारी जी लाइव आए थे जी, और उन्होंने सुसाइड करने चाहते हैं इंडस्ट्री के लोग। मैंने ऐसी बात नहीं सुनी है, बट अगर ऐसा कह रहे हैं तो कुछ मानसिक तनाव से वो गुजर रहे होंगे, और मैं यही चाहूंगी कि इंसान जो हम इस दौरान कोविड के टाइम्स में से गुजर रहे हैं, हर एक को कुछ ना कुछ तरीके का तनाव ज़रूर रहा है, या तो मानसिक या तो शारीरिक या तो फिनेंशियल, हर कोई स्ट्रेस से गुजर रहा है, और 2021 बहुत सबके लिए किसी ना किसी तरीके से तकलीफदायक रहा है। तो मैं यही कहूँगी कि हमको संयम रखना चाहिए, और मेरी यही सोच है कि हमारे हर बुरे वक्त के बाद में अच्छा वक्त आता है और अच्छे वक्त के बाद में बुरा वक्त आता है। तो जब हमको कुछ भी इस तरीके के ख्याल लगते हैं तो हम लोगों को हमारे अच्छे फ्रेंड्स या अच्छे रिलेटिव्स या हमारी फैमिली मेम्बर्स उन पे बिलीव करना चाहिए, और ये टेम्पररी फीलिंग्स है बट उससे बहुत जल्दी बाहर आने की कोशिश करना चाहिए। दुनिया बहुत खूबसूरत है, मुझे लगता है 2021 के बाद में 2022 आएगा जो बहुत ही खूबसूरत होगा और सबके लिए कुछ अच्छा लाएगा। जितनी कहानियाँ हम सुन रहे हैं उससे तो हमको यही समझ में आ रहा है कि इंडिया सबसे बड़ा सुपर पावर बनने जा रहा है, तो हम लोगों को प्रोग्रेस की तरफ सोचना है। और कभी कभार कुछ मन में अगर ख्याल आते भी हैं तो मुझे लगता है कि अपने फैमिली मेम्बर से ऊपर कोई नहीं होता है,
उनके 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 साथ में बैठना चाहिए, उनके साथ में डिस्कस करना चाहिए। तो मैं जरूर उनसे बात करूंगी इस बारे में, मुझे इसका आइडिया नहीं था। खेसारी जी का कहना है कि वो कुछ पर्सनल प्रॉब्लम से, इंडस्ट्री में कुछ लोगों से उनको प्रॉब्लम है, जिस वजह से वो सुशांत सिंह राजपूत बनना चाहते हैं। मुझे लगता है कि इसका देखिए जवाब हम सबको मिलके निकालना होगा, बिकॉज इंडस्ट्री में कई लोग हैं जो अच्छे हैं, कई लोग हैं जो बुरे हैं, और वो हर फील्ड में हो सकते हैं। लेकिन आप किसी बात से निराश हो के अपने लाइफ का इतना बड़ा स्टेप उठाओ, तो आपको ज़रूर सोचना चाहिए कि आपकी पत्नी है, आपके बच्चे हैं, आपका परिवार है जो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता है। हम जब करियर करते हैं तो उतार चढ़ाव तो आना ही है, प्रॉब्लम्स तो आनी ही हैं, और हर फील्ड में आपको कोई ना कोई नीचे खींचने की कोशिश करेगा, या आपका ऑडियंस आपको ऊपर खुद खींचने की कोशिश करेगा। सो आपका अपना डिसीजन है वो, कि आप कितनी अच्छी तरीके से उससे बाहर निकल सको। मुझे लगता है मानसिक संतुलन होना बहुत ज़रूरी है, मेडिटेशन और ये सब भी। हम रोज़मर्रा की लाइफ में हम लोग इतना तकझक में अभी जीवन जी रहे हैं कि हम लोग सोचते हैं कि ये करना है, उसके बाद में वो करना है, उसके बाद में वो करना है, यहाँ पहुँचना है, वहाँ पहुँचना है, हमको सब जगह पहुँचना है। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, हर एक के लिए जगह बनी हुई, हर एक फिल्म आपकी अच्छी आएगी, हो सकता है दूसरी फिल्म किसी और की अच्छी आएगी, उसके बाद में फिर आपकी अच्छी फिल्म आएगी। सो मुझे लगता है कि थोड़ा सा समझ के इन चीज़ों का डिसीजन करना चाहिए, ना कि इमोशनल होकर कुछ भी ऐसे बयान करना ठीक नहीं है, क्योंकि हम लोग मैच्योर्ड लोग हैं। तो हर एक के जीवन में, मेरे जीवन में भी अच्छे समय आए हैं, बुरे समय आए हैं, और हम कोशिश यही करते हैं कि उस वक्त हम अपने अपनों के साथ में उसको डिस्कस करके उससे बाहर निकलने की कोशिश करें। पाकी जी का फेवरेट सब्जी कौन सा है? सब्जी मुझे दाल चावल बहुत पसंद है, लिट्टी चोखा बहुत पसंद है, और मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ तो मुझे चिकन भी बहुत पसंद है। एक्चुअली मेन बात क्या है कि भोजपुरी इंडस्ट्री छोटी सी है जी, और सब्जियों के लेकर ऊपर भी जातिवाद बहुत ज्यादा चालू है। अच्छा, ईरान के है, मुरई भगवान के, इस टाइप के होली के गाने भी बहुत सारे आ रहे हैं। छोटी सी रवा का कहा जाता नहीं, आहिर का साथ देना है कि राजपूत का साथ दे रहा है। अभी अभी इसका जवाब मैं क्या दूं, बताइए मेरे को। बुरा ना मानो, होली है। बुरा नहीं मानते हम लोग, होली है, होली मनाते अच्छे से। थैंक यू सो मच। आज के जो लोकेशन पे आपका शूट चल रहा है, क्या चल रहा है, उसके बारे में बताइए। सबसे पहले सभी दर्शकों को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, मैं हूँ अलीशा अली खान, और आज एक फिल्म शुरू हुई है जिसका नाम है तेरी मेरी आशिकी। आज उसका पहला दिन है, उसी शूट पे मैं आई हूँ, और मुझे एकदम से 11th आवर में बोला गया है, मतलब मैं कल लास्ट नाइट ही फाइनल हुई हूँ 11 बजे के बाद, क्योंकि नहीं था डिटेल्स, तो कल ही मेरे पास फ़ोन आया, देन मैं सुबह सेट पे पहुँच गई। अपने कैरेक्टर के बारे में कुछ बताइए, किस प्रकार का कैरेक्टर है आज के फिल्म में? एक्चुअली मैं इस फिल्म में सेकेंड लीड कर रही हूँ। इस फिल्म में जो हीरोइन है वो पाकी हेगड़े जी है, उसके बाद मैं हूँ सेकेंड लीड, और इस ये कॉलेज का स्टोरी है। तो मैं एक कॉलेज गर्ल हूँ, और कहीं ना कहीं एक आंदोलन होती है, एक बहुत सारी मस्ती भी होती है, और बहुत सारा चीज़ है। फिल्म के डायरेक्टर है सुजीत पुरी जी, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सुजीत पुरी जी को मैं काफ़ी टाइम से जानती हूँ, जब से मैं मुंबई आई हूँ तब से मैं उनको जानती हूँ, करीबन फाइव सिक्स ईयर्स से मैं जानती हूँ उनको, बट कभी उनके साथ काम करना हुआ नहीं, बट इत्तेफाक से ये पहली मूवी मैं उनके साथ कर रही हूँ। बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छा व्यावहारिक है, और मुझे उनके साथ आज जैसे मैंने काम करना स्टार्ट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा उनके साथ काम करते हुए। फिल्म में गाने किस तरह के हैं? कॉलेज के गाने हैं, प्यार के गाने हैं, रोमांटिक्स गाने हैं, और बहुत सारे सॉन्ग से अलग अलग स्टाइल में है, कोई रोमांटिक है, कोई कॉलेज के हैं। दर्शकों से क्या कुछ कहना चाहेंगे इस फिल्म को लेकर? मैं दर्शकों को कहूँगी कि थोड़ा हटके कुछ अलग फिल्म है ये, और इसका स्टोरी बहुत अच्छी है, मैंने बहुत शॉर्ट में सुना है स्टोरी, तो डिटेल्स में सुनूंगी तो और अच्छा लगेगा। शॉर्ट में जब इतना अच्छा लग रहा है तो ऑब्वियसली बहुत अच्छी स्टोरी है, तभी मैं रात को फ़ोन आया तो मैं सुबह पहुंची, बिकॉज ऑफ द स्टोरी, बिकॉज स्टोरी बहुत बहुत अच्छी है और बहुत यूनिक है, बहुत डिफरेंट है, बहुत अलग है। थैंक यू सो मच। शूट हुआ कौन सी फिल्म में, नाम? यह फिल्म है तेरी मेरी आशिकी 2। इसके पहले हमने एक फिल्म बनाई थी तेरी मेरी आशिकी, वो ज़बरदस्त हिट हुई थी फिल्म,
दर्शकों का बहुत बढ़िया प्यार मिला था मुझे उस फिल्म में। मुझे याद है कि बिहार के और मुंबई गुजरात के सिनेमा हॉलों में जब मैं गया था प्रीमियर के समय, जब वो फिल्म लगी थी तो जब पब्लिक का जो मैंने क्रेज़ देखा था वो मुझे प्रेरित किया कि इसका पार्ट टू भी बनना चाहिए, और मैंने तभी ठान ली थी कि मैं तेरी मेरी आस की टू हम लोग बनाएंगे, और एक बेहतरीन सब्जेक्ट के साथ हम लोग फिर आ गए हैं और ये फिल्म आज से शुरू हो गई है शूटिंग। फिल्म में स्टार कास्ट कौन कौन से? इसमें स्टार कास्ट में मैं हूँ, पाखी हेगड़े जी हैं जो भोजपुरी की सुपर स्टार हैं, और उनकी उनके साथ मैंने निरहुआ रिक्शा वाला किया था और तब से वो उनका स्टारडम आज तक बोल रहा है, और मेरे साथ खूबसूरत नायिका त्रिशा खान जी हैं जिनकी अदाकारी एक बार फिर आपको प्रभावित करेगी, और टीनू वर्मा जी हैं, संतोष श्रीवास्तव जी हैं, मनोज टाइगर जी हैं, ऐसे कई कलाकार जो हैं इस फिल्म में, अच्छे कलाकार को देखने को मिलेगा आपको। फिल्म में गाने किस तरह के रहेंगे सर? गाने मैंने म्यूजिक जो है टीम जो बनाई है बड़ी शानदार टीम बनाई है। अवनीश बाबू बिहार यूपी के आजकल नौजवानों के जुबान पे हैं, उनकी हिट गाने तू हंस के बोले लुए जान दिलवा दीवाना हो गया इतनी बड़ी हिट है कि मैं अपने आप को रोक नहीं सका, और उनकी पूरी टीम को मैंने हायर किया इस फिल्म के लिए, और एक से एक बेहतरीन गाने जो है आपको देखने को मिलेगा इस फिल्म में, ब्लॉकबस्टर गाने बनेंगे, और वो सारे लोग इस गाने को पसंद करेंगे, ये मेरा दावा है। फिल्म की शूट की बात की जाए सर, कहाँ कहाँ किया जाएगा शूट की फिल्म? फिल्म की शूटिंग मुंबई, उत्तर प्रदेश और बिहार, तीनों जगह किया जाएगा। सर आज का शूट जो हुआ उसके बारे में कुछ बताइए क्या? आज का शूट था कॉलेज, कॉलेज से रिलेटेड सीन्स थे कैंटीन के, और आइटम सॉन्ग है बियर बार जो है, बहुत खूबसूरत लोकेशन मेरे मित्र ने बनाई है मोरे साहब ने, तो इस आज इसका अभी रात भर काम चला है, और ये आज हम लोग इसमें पहली बार शूटिंग करने जा रहे हैं, और कुछ और भी सीन्स हैं जो आफ्टर एक्सीडेंट मेरे जो मेरे रिलेटेड सीन्स थे वो किया गया शूट यहाँ। हम मई एंड में इस फिल्म को रिलीज करेंगे और सिनेमा हॉल में मुझे लगता है कि ऑल इंडिया जो है हम एक साथ प्लान कर रहे हैं इसको रिलीज करने के लिए, ताकि दर्शकों को एक साथ ये फिल्म देखने को मिले। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।